वही कटनी जिले में सोमवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा और हज कमेटी द्वारा हज यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए बैंड हॉल में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। आयोजित शिविर में सभी हाजियों को स्वास्थ्य जांच से संबंधित सभी नियमों की जानकारी उपलब्ध कराई गई। इसी दौरान भाजपा अध्यक्ष दीपक टंडन और नगर निगम महापौर प्रीति संजीवी सूरी ने शिविर में पहुंचकर हज यात्रा पर जाने वालों से मुलाकात की और सभी हाजियों को बधाई दी। इसी क्रम में अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष इंजीनियर नवाब खान ने सभी हाजियों के लिए दुआएं की और उनके सुखद यात्रा की कामना की। हज 2024 में जाने वाले हाजी हजरात का आज ट्रेनिंग, इस्तकबाल और टीकाकरण का प्रोग्राम रखा गया, जो कि दो स्टेज में प्रोग्राम हो चुके हैं। ट्रेनिंग और इस्तकबाल का प्रोग्राम, अब टीकाकरण का प्रोग्राम चल रहा है। जिले से 18 हज यात्री इस साल जा रहे हैं। 18 हज यात्रियों का टीकाकरण, पूरा शासकीय चिकित्सालय का पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद है, जो कि टीकाकरण का कार्यक्रम अंजाम दे रहा है। हमारे कटनी जिले से ऐसे हज करने के लिए जो 18 मुस्लिम बंदी है वो जा रहे हैं, उनके टीकाकरण की व्यवस्था जिला अस्पताल के द्वारा की गई है, जिसमें से 18 हमारे हाजी हैं जिनको वैक्सीन लग रही है और पोलियो की दवा इनको दी जा रही है, और 3 लोग ऐसे हैं जिनको फ्लू वैक्सीन भी दी जाएगी। तो सभी का विधिवत बराबर शुरू हो गया हमारा टीकाकरण, और सभी 18 लोगों को वैक्सीनेट करके हमारी शुभकामनाएं है कि वो हज करें।